नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी जन और प्रैक्टिशनर पूछते हैं कि रिसर्च इन इलेक्ट्रोमोपैथी उज रिकॉग्निशन इज अंडर कंसिडरेशन, क्या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बैन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जितनी हमने आरटीआई डाली हैं वहाँ खुशखबरी है आपको, ये आगे की खबर बनाने के लिए बताने के लिए पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी पैथी में रहिए। अगर आप क्रॉस पैथी करोगे तो अपनी पैथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी आल्टरनेटिव मेडिसिन की कोई भी ब्रांच, क्रोमोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, पायरामेड थेरेपी, क्रिस्टल हीलिंग, ये पनप नहीं सकती। क्योंकि अगर आप कोई विश्वास नहीं अपनी पैथी पे और दूसरी पैथियों से आप कोई चीज़ उधार लेते हो, मेडिसिन रखते हो, तो क्रॉस पैथी होगी नेचुरली। एलोपैथी रखते हो तो सीएमओ और ड्रग इंस्पेक्टर के शिकार बनोगे, क्योंकि आपने गलती की है। क्योंकि इलेक्ट्रोमोपैथी की कोई भी कोर्स, कोई भी संस्था ये नहीं कहती कि एलोपैथी करो, ठीक है। इंस्टेंट एमरजेंसी में प्राथमिक उपचार देना अलग बात है, किसी की ज़िंदगी बचाना, मगर ये कहना कि हर पेशेंट ही एमरजेंसी वाला है वो गलत होगा। दोस्तों वापस आते हैं टॉपिक पे, रिसर्च सेंटर खोलना कतई भी बैन नहीं है, रिसर्च करना बैन नहीं है। अब सवाल उठता है कई स्टेट में क्यों इलेक्ट्रोमोपैथी पे कहीं ना कहीं जजमेंट उनके अगेंस्ट आई। कारण यही था कि कईयों ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर जिद की कि हमें डालो। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर वही क्लिनिक रजिस्टर होता है, लीगली समझिए बात की बारीकी समझिए, जो कि रेकोगनाइज्ड पैथी हैं, जो अभी रेकोगनाइज नहीं हुई या पाइपलाइन में है उनके लिए ये मांग करनी या प्रोविजनल ऑनलाइन फॉर्म भर देना और माननीय कोर्ट का दरवाज़ा खटका देना तो नेचुरली हार का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब एजुकेटेड होना अलग बात है, आप बहुत मान लीजिए एजुकेटेड हो मगर अवेयर नहीं हो टॉपिक के, लीगली डेफिनेशन और उसकी सेंसिटिविटी के तरफ आपका ध्यान नहीं है तो आप गलती कर रहे हो। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अलग बात है, रिसर्च सेंटर खोलना अलग बात है। जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का DHI डिपार्टमेंट कहता है कि ऑल ओवर इंडिया इसकी रिसर्च बैन नहीं है तो नेचुरली वहाँ पे अब रिसर्च देखिए या तो जानवरों पे होगी या लिविंग बींग्स पे होगी, तभी आप एविडेंट कंक्लूसिव डाटा दे पाओगे भी मैंने एक बंदा को डायबिटीज़ थी, उसकी ग्लाइकोल्स फॉसिलिटी HB 3 महीने वाली शुगर ठीक की, तो एविडेंस तो दोगे ना, तो एविडेंस तो नेचुरली जीवित बंदे पे ही रिसर्च होगी, ठीक है ना। तो फ्लोरा फोना पे भी होती है रिसर्च। तो कहने का तात्पर्य है कहीं ना कहीं प्रैक्टिशनर या उसके पीछे उसका इंस्टीट्यूशन या उसकी कोई एसोसिएशन जिम्मेवार होती है कि वो जानकारी के अभाव में माननीय कोर्ट का दरवाजा टकाते हैं और फिर गलती होती है, एडवोकेट परपेचुएट नहीं कर पाता, हम जो इंफॉर्मेशन उसको देंगे वही उसको ट्रांसलेट करनी पड़ेगी, एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। मेडिकल साइंसेज में एडवोकेट की इतनी पकड़ नहीं होती पहने पे, और खासकर टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।